एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उसकी आपने मुझे बोला था उन लहंगों के रिव्यू करने के लिए, वही लहंगे आज मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो मैंने क्या है, काफी टाइम पहले ऑर्डर कर दिए थे लेकिन मुझे मिले नहीं थे क्योंकि पार्सल अभी टाइम से मिल नहीं रहे, डिलीवरी नहीं हो रही थी। तो अभी एक दो दिन पहले ही मुझे मिले हैं। तो मैंने टोटल 4 लहंगे और 2 साड़ियां मंगवाई है। तो आज मैं दो, मतलब हर वीडियो में मैं आपके साथ दो दो लहंगे शेयर करूंगी। तो ये जो लहंगे मैंने मंगवाए हैं ये है sozni.com से। तो sozni.com एक वेबसाइट है, कोई भी ऐप नहीं है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड जो sozni.com है आपको वहां पे बहुत सारे एथनिक वेयर मिल जाएंगे विद अफोर्डेबल प्राइस। तो आप जरूर से जरूर जाके एक बार चेकआउट कर लेना। जो फर्स्ट लहंगा मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको मिलेगा पीच और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में। एक बार मैं पिक्चर साइड में अपलोड कर दूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं कौन सा लहंगा शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके का आपको पीच और ग्रे कलर में ये बहुत ही प्यारा सा लहंगा मिलने वाला है। देखिए इस तरीके का आपको लहंगा मिलेगा। तो पहले मैं बात करती हूँ वेस्ट की। वेस्ट इन्होंने जो है माइक्रो फाइबर का ग्लिटर वाला जो फैब्रिक आता है उसकी आपको इस तरीके से लेस मिल जाएगी। ऊपर वाला वेस्ट पे ये वाले जो पोर्शन है ये इन्होंने माइक्रो फाइबर का दिया है। बहुत ही अच्छा आपको जो है नेट का ये लहंगा मिलेगा। इन्होंने जो ऊपर है इन्होंने पीच कलर दिया हुआ है, नीचे पूरा इन्होंने ग्रे कलर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर लाइनिंग दिखा देती हूँ। इन्होंने पूरी पहले जैसे 3 लेयर में आपको ये वाला लहंगा मिलेगा। मोस्टली जो लहंगा होते हैं आपको 2 लेयर में मिलते हैं, यानी कि अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है और ऊपर आपको जो है लहंगा मिलता है, बस कैन जो है नीचे लगी होती है। लेकिन ये वाला लहंगा आपको पूरा है जो ट्रिपल लेयर में मिलने वाला है, यानी कि अंदर इसमें आपको जो है पीच कलर की साटिंग की लाइनिंग मिल जाएगी पूरे लहंगे में इस तरीके से। ये ग्लिटर वाला फैब्रिक लगाया हुआ है, माइक्रो फाइबर का फैब्रिक, और ये जो है बहुत ही अच्छा शाइन करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस फैब्रिक की ये है कि ये बिल्कुल भी ऐसे झड़ता नहीं है। जैसे मैंने मोस्टली कपड़े जो ग्लिटर वाले देखे है ना, तो उन्हें एक बार में ओपन करते ही बहुत सारा ग्लिटर निकल जाता है। अगर आप उन्हें वियर करते हैं तो आपकी जो है बॉडी पे ग्लिटर लग जाता है। तो बहुत ही अच्छा वाला इन्होंने जो है ग्लिटर का फैब्रिक इसमें यूज किया है। तो आपको जो है पूरा गोल्डन कलर का ये वाला फैब्रिक मिल जाएगा अंदर। और इस जो फैब्रिक का फ्लेयर है ये है 4.5 मीटर का, आपको इस वाले फैब्रिक का फ्लेयर मिल जाएगा। फिर ऊपर से इन्होंने जो है इसमें ये वाला जो है नेट लगाया हुआ है पीच और ग्रे कलर का, देखिए। तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ये लहंगा शाइन करता है। नाइट में वियर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा शाइन करने वाला है। लाइट अगर आपकी एंगेजमेंट है या फिर आप छोटे मोटे फंक्शंस में जा रहे हैं, शादी में वियर करना है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लहंगा है। और बिल्कुल भी हैवी वेट नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। मोस्टली लहंगे के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं उन्हें कैरी, परेशान हो जाते हैं कैरी करते करते। तो ये वाला लहंगा मुझे इसलिए सबसे ज्यादा पसंद आया। और ऊपर इन्होंने जो है नेट यूज किया है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला नेट यूज किया है, बिल्कुल भी रफ नेट नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट सा नेट है। नेट है डबल जो है शेड में मिल जाएगा। और इसका जो फ्लेयर है नेट का वो है 5.5 मीटर का, आपको पूरा फ्लेयर मिलेगा नेट का। तो काफी अच्छा सा इन्होंने जो है लहंगे में फ्लेयर दिया हुआ है। एंड वेस्ट की बात करते हैं तो ये आपको 40 से 42 में आराम से फिटिंग हो जाएगी। और इसकी जो लेंथ है ना वो, अगर आपकी हाइट 5.5 है लाइक मेरी तरह है, तो ये बिल्कुल आपके सही आने वाला है। 5.2 से 5.5 तक आराम से आ जाएगा, आप इसे हील के साथ वियर कर लीजिए। और अगर आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी है लाइक 5.6 तक भी ये आराम से चल जाएगा, लेकिन 5.7 5.8 के लिए शायद ये वाला लहंगा थोड़ा सा शॉर्ट रहने वाला है। तो इस तरीके का आपको इसका लहंगा मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ ब्लाउज। इसका जो ब्लाउज है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, मतलब ओवरऑल लहंगा ही मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगा। लेकिन वो ही लोग इसे मतलब परचेज करें जो मतलब इस तरीके के डिजाइनर ब्लाउज पहन सकते हैं, लाइक जिन्हें अलाउ होता है ये सब पहनना और जिन्हें खुद से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो लोग परचेज कर सकते हैं। तो मैं जब है ना इसका ब्लाउज स्टिच करवाऊंगी आपके साथ जरूर से जरूर शेयर करने वाली हूँ कि स्टिच कराने के बाद ये ब्लाउज कैसा लगता है, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इस तरीके का आपको ये वाला ब्लाउज मिल जाएगा। मुझे खुद से समझ में नहीं आया अभी इसे स्टिच कैसे करवाना है, बैक पोर्शन कौन सा आएगा। एक बार मैं अपने टेलर के पास लेके जाऊंगी तब वो बताएगा कि कैसे स्टिच हो रहा है। बस इतना मुझे पता है कि ये वाला जो है पोर्शन, ये वाला फ्रंट पोर्शन है और इस तरीके से इन्होंने जो है इसमें ये थ्रेड्स दिए हुए हैं
बहुत ही सिल्कीन वाले थ्रेड्स है, शाइनिंग शाइन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ब्लाउज में जो है इस तरीके से दो स्ट्रैप्स दी हुई है, वो ये यहाँ पे आपके शोल्डर पे आ जाएगी। बैक वाले पार्ट का मुझे थोड़ा इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार टेलर के ले जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से स्टिच्ड होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक डिजाइनर ब्लाउज है। फिर आपको इसका दुपट्टा बताती हूँ। इसका दुपट्टा जो है आपको पीच कलर में पूरा दुपट्टा मिलेगा और सिक्वेंस का पूरा दुपट्टा मिलने वाला है। तो इस तरीके से इसे बहुत ही प्यारा सा इन्होंने जो है दुपट्टा दिया है पीच कलर में, एंड यहाँ पे जो है इन्होंने सिक्वेंस की बूटियां लगाई हुई है। देखिए इस तरीके से आपको जो है पूरे दुपट्टे में सिक्वेंस की बूटियां मिल जाएगी, और रियली बहुत ही ब्यूटीफुल ये दुपट्टा है। यहाँ पे जो इन्होंने ये वाली इसमें गोल्डन लेस मिल जाएगी, इसमें चारों तरफ आपको पूरा दुपट्टा है ऐसे बूटियों से फिल हुआ हुआ है, मतलब हैवी आपको इसमें अंदर दुपट्टा मिलने वाला है। बहुत ही सॉफ्ट नेट इन्होंने यूज किया है, बहुत ही लाइट वेट दुपट्टा है, एंड यहाँ पे इन्होंने जो है इसमें साइड में इस तरीके से टसल्स लगवाए हुए हैं नेट के, वो ही सेम दो कलर के इन्होंने नेट के इसमें टसल्स दिए हुए हैं। विद यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इसमें मोती भी मिल जाएंगे, बीट्स लगवाए हुए हैं। तो आपको ये बहुत ही प्यारा सा इन्होंने खूबसूरत सा डिजाइनर एक दुपट्टा दिया है। तो ये वाला कुर्ता है जो मैंने इसकी वीडियो शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। जिसने अभी तक इस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है फटाफट से जाके चेकआउट कर लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्ते मैंने शेयर किए थे। तो अब जो नेक्स्ट वाला लहंगा मैं लेके आई हूँ आपके लिए, ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे बोला था पर्सनली कि मैम ये वाला लहंगा आप जरूर शेयर करना, परचेज भी करना है, क्योंकि काफी अफोर्डेबल प्राइस में sozni.com पे लहंगे मिल रहे हैं और रियली बहुत ब्यूटीफुल से लहंगे हैं। ये वाला जो लहंगा है आपको स्काई ब्लू और पीच कलर के कॉम्बिनेशन में मिलने वाला है। जो कलर्स है लहंगे के मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, क्या है समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे कलर्स है, लाइट कलर समर्स में अच्छे लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लहंगा अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है ब्लाउज शेयर कर देती हूँ। तो इनकी जो पैकेजिंग आती है वो बहुत अच्छी आती है, लेकिन क्या है मैंने इन्हें ओपन कर लिया इसलिए। तो इसका जो ब्लाउज है आपको पूरा स्काई ब्लू कलर का ऐसा जो है ब्लाउज मिलने वाला है। ये जो लहंगा है ना ये एक ब्राइडल लहंगा है, लाइक अगर आपकी एंगेजमेंट है या फिर ब्राइड के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा लहंगा है विद अफोर्डेबल प्राइस में। शायद ये मुझे प्राइस दोनों की अच्छे से याद नहीं है, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये 25,000 के अंडर ही है ये वाला लहंगा। और आपको ये ब्लाउज के फ्रंट वाला पार्ट मिल जाएगा, आप देखिए पूरा हैवी आपको ये ब्लाउज मिलने वाला है। इन्होंने इसमें बहुत ही अच्छे से जो है एम्ब्रॉयडरी की हुई है थ्रेड से, प्लस इसमें जो है बीच बीच में इन्होंने सिक्वेंस लगवाए हुए हैं, और ये आपको इतना प्यारा सा आपको ये ब्लाउज मिलने वाला है। बनने के बाद बहुत ही प्यारा ब्लाउज लगने वाला है ये वाला, और ऐसा भी नहीं है कि एम्ब्रॉयडरी मतलब ऐसी दी हुई है, बहुत ही नीटली दी हुई है। मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके की आपको बहुत ही नीटली इन्होंने एम्ब्रॉयडरी और सिक्वेंस लगवाए हुए हैं इसमें, बहुत ही नीटली इन्होंने इसमें काम किया हुआ है, और बहुत अच्छा लगा मुझे इसका ब्लाउज। बैक वाला पोर्शन भी आपको पूरा जो है सेम मिल जाएगा, इस तरीके से इन्होंने जो है बैक पोर्शन दिया है इसका, एंड इन्होंने स्लीव्स के लिए भी अलग से इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। तो आपको ये पूरा जो है ब्लाउज पीस मिलेगा, 80 सेंटीमीटर का आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाएगा। तो अगर आप एक्सल और डबल एक्सल में है तो आराम से आपके ये पूरा फिटिंग में आ जाएगा। तो ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो है मुस्लिन सिल्क। जो ये ब्लाउज का फैब्रिक है मतलब ओवरऑल पूरा लहंगा जो है इन्होंने सिल्क में दिया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट सा ही फैब्रिक आता है मुस्लिन सिल्क का। तो ये वाला इन्होंने जो है ब्लाउज पीस इस तरीके का आपको स्काई ब्लू कलर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा। फिर इसमें ही आपको अटैच ये वाला पीच कलर का दुपट्टा मिलेगा, ये भी पीच और स्काई ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में पूरा दुपट्टा है। इन्होंने जो पूरा बॉर्डर है इन्होंने जो पूरा बॉर्डर है इस तरीके से इसमें स्काई ब्लू कलर का दिया हुआ है, काफी हैवी सा इन्होंने इसमें बॉर्डर दिया हुआ है। बीच बीच में वो ही इन्होंने सिक्वेंस का पूरा जो है बूटियां दी हुई है पूरे जो है दुपट्टे में, पूरा दुपट्टा आपको नेट का मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा दुपट्टा है ये, बहुत ही हैवी सा दुपट्टा है पर बिल्कुल भी वेट नहीं है इसमें, बहुत ही लाइट वेट दुपट्टा है। जो इन्होंने नेट यूज किया है बहुत ही सॉफ्ट नेट यूज किया है, और रियली ये बॉर्डर बहुत ही प्रिटी लग रहा है। 2.3 मीटर की ये वाला आपको दुपट्टा लेंथ में मिलने वाला है। अब इसका जो लहंगा है वो बहुत ही ज्यादा हैवी लहंगा है, लाइक एक मिनट, इसका जो लहंगा है वो आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, स्काई ब्लू कलर का पूरा लहंगा मिलेगा। इसमें जो है अंदर इन्होंने हार्ड कैन लगाई हुई है, मैं पूरा एक तो ढक गई हूँ इस लहंगे से, इतना हैवी लहंगा है ये वाला। देखिए
इस तरीके का आपको पूरे लहंगे में एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। पूरे लहंगे में जो है इन्होंने पिंक कलर से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, प्लस पूरे लहंगे में इन्होंने बूटियां बनाई हुई है, छोटे छोटे सीक्वेंस लगवाए हुए हैं, बिल्कुल बारीकी से इन्होंने जो है सीक्वेंस लगवाए हुए हैं। और काफी अच्छी जो है इसकी वेस्ट है लहंगे की, 40 से 42 ये वाला लहंगा आपके डबल एक्सल में भी आराम से फिटिंग में आने वाला है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप डबल एक्सल साइज में है। और पूरा लहंगा आपको जो है इतना हैवी सा मिल जाएगा, ऊपर से ये ये इन्होंने वर्क दे रखा है, ये थोड़ा थोड़ा जैसे लाइट स्टार्ट होता है इस तरीके से इसमें बूटियां लगाई हुई है, लेकिन नीचे जाते जाते जो है ये काफी हैवी हो जाता है। इस तरीके से आपको जो है पूरा इसमें लहंगा मिल जाएगा। अंदर इन्होंने पूरे लहंगे में लाइनिंग लगवाई हुई है स्काई ब्लू कलर की, और यहाँ पे इन्होंने नीचे बहुत कैंकन लगाया हुआ है, हार्ड कैंकन। सबसे अच्छी बात है सोजनी.com के लहंगों की, सोजनी.com के लहंगों की कि जो ये लहंगे होते हैं बिल्कुल रेडी टू वियर आते हैं, कैंकन लगी हुई आती है, तो आपको इनमें अलग से पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। अगर आप ऐसे मार्केट से लेके कैंकन लगवाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, तो कैंकन आपको इसमें लगी हुई मिलेगी। कैन यहाँ पे इस तरीके से इसमें गोल्डन बॉर्डर लगाया हुआ है, यानी कि कैनवास लगवाया हुआ है जो कि हार्ड कैनवास है, जिससे फ्लेयर क्या है काफी अच्छा आएगा। तो आपको पहले लहंगे में ये वाली लाइनिंग मिल जाएगी, फिर यहाँ पे इन्होंने जो है कैंकन दी हुई है, फिर यहाँ पे इन्होंने कैनवास दी हुई है, और ये वाला लहंगा ऊपर से मतलब फिर इन्होंने ये वाला एम्ब्रॉयडरी की हुई है। दोनों लहंगे मैंने दिखाए हैं अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। वो एक लाइट वेट लहंगा है, जो डिजाइनर ब्लाउज पहनना पसंद करता है उन लोगों के लिए वो वाला लहंगा अच्छा है, लेकिन जो इस टाइप के लहंगे पहनना पसंद करते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, डेफिनेटली आप इन्हें बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। लेंथ की मैं बात करती हूँ तो लेंथ इसकी काफी अच्छी है, लाइक अगर आप 5'5", 5'6", 5'7", 5'8", 5'7" तक भी है तो भी आपके हील पहन के आप इन्हें आराम से वियर कर सकते हैं, लेकिन आपकी हाइट अगर 5.5 इंच से थोड़ी कम है, 5'4" है, 5'3" है, 5'4" के भी चल जाएगा, लेकिन 5'3" या 5'2" है तो आपको इससे ऑल्टर करवाना पड़ेगा। तो आई होप आपको आज के दोनों लहंगे का रिव्यू पसंद आया होगा, पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।